गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 17 ऑफ स्टार्टअप समर स्कूल। वी रियली एक्साइटेड कि ये लास्ट वीक है और लास्ट वीक में भी हम मिड की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस इज लास्ट वीक ऑफ स्टार्टअप समर स्कूल व्हिच वी प्रॉमिस टू बी ए रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू। और आज का लेक्चर आपके आपका मेरे साथ है विच इज़ ऑन ग्रेट स्केलिंग, ग्रोथ हैकिंग और ग्रेट स्केलिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब आपने अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा हो तो उसको हम ग्रेट स्केलिंग कहते हैं। इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स डू सम हाउसकीपिंग और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वी स्टार्टेड विद ए 4 वीक प्रोग्राम जिसमें हमने कवर कर लिया है week 1, week 2, week 3 एंड week 4 में हम स्केलिंग पे बात कर रहे हैं। क्विक रिविजन दैट हम एक स्टार्टअप बिजनेस बना रहे हैं और स्टार्टअप बिजनेस को स्केल करने की बात कर रहे हैं। सो स्टार्टअप इज अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू सर्च ए रिपीटेबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल। आपने बिजनेस मॉडल बना लिया हुआ है, अब हम उसकी स्केलेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और बिजनेस मॉडल कैनवस बाय अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर, दैट्स योर बेस्ट फ्रेंड, और उसको हमेशा अपने साथ लेके चले। एंड दिस इज योर गोल कि आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। एंड इनोवेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, और वो एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट के थ्रू आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और उस वैल्यू के इर्द गिर्द आप फिर एक ब्रांड बिल्ड करते हैं और उस ब्रांड को फिर स्केल करते हैं। सो ये क्विक हाउसकीपिंग की दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो हमें करनी है आज के लिए फॉर द स्टार्टअप समर स्कूल। वन इज के जो आपको बिजनेस मॉडल कैनवस की असाइनमेंट है, सबमिट दैट बाय मिडनाइट टुडे। जो टीम्स भी जो हमने टीम शॉर्टलिस्ट करनी है स्टार्टअप वर्ल्ड कप के लिए, जो मिलियन डॉलर चैलेंज है, उसमें जो टीम्स पिच करेंगी उनके लिए जरूरी है। अगर इफ यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टअप वर्ल्ड कप, तो आज मिडनाइट, आज रात 12 बजे तक आप अपने बिजनेस मॉडल कैनवस की असाइनमेंट सबमिट कर दें। दिस इज फर्स्ट। एंड सेकंड इज कि आपने एक 10 स्लाइड का पिच डेक बनाना है अपने स्टार्टअप का, जो कि आज हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसका टेम्पलेट भी आपसे शेयर कर दीजिएगा। इट्स वेरी इजी, सिंपल, वेरी इजी। आपने जो बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया है, फाइनेंशियल मॉडल बनाया है, उसी पे बेस करके आपको बहुत आसानी से बिजनेस एक पिच डेक बन जाता है। उसका टेम्पलेट हम आपसे आपसे शेयर कर लेंगे। वो आप लोगों ने सबमिट करना है बाय थर्सडे मिडनाइट। जो थर्सडे वुड बी डेट, थर्सडे वुड बी 20th अगस्त। 20 अगस्त मिडनाइट तक आपने अपना जो 10 स्लाइड्स का पिच डेक है वो सबमिट करना है। बिकॉज वो फिर जो भी टीम वो सबमिट करेगी वही एलिजिबल होंगे अपने सर्टिफिकेट के लिए, प्रोग्राम सर्टिफिकेट के लिए। तो आप क्या करें, 10 स्लाइड का पिच डेक बनाएं, उसको पावर पॉइंट के अंदर एक ऑप्शन होता है रिकॉर्ड करने का। तो आपने अपनी सिर्फ पिच डेक सबमिट नहीं करना, रादर आपने एक वीडियो सबमिट करनी है, जो कि बहुत आराम से आप पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं। उस वो पावर पॉइंट के अंदर आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, वो हम आपसे एक मेथड शेयर कर देंगे। इट्स सुपर ईजी, आप गूगल भी कर सकते हैं और हम भी आपसे वो मेथड शेयर कर देंगे कि आपने कैसे 10 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनानी है और उसको पावर पॉइंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। एंड आई स्ट्रांगली इनकरेज कि आप वीडियो भी ऑन करें, अपनी वीडियो भी ऑन करें। तो जिस तरह इस वक्त स्क्रीन पे मेरी आपको एक छोटी वीडियो नजर आ रही है और साथ में पावर पॉइंट नजर आ रहा है, एग्जैक्टली इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर रिकॉर्डिंग हो सकती है। और पावर पॉइंट इज अ सिंपल टूल जो सबके पास अवेलेबल है। इसके अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन के साथ अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। वो जो वीडियो है वो आपने फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड करनी है और हमें सिर्फ लिंक सबमिट करना है। सो बाय थर्सडे मिडनाइट आपने अपना जो पिच डेक है वो बना, उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देनी है। बहुत शॉर्ट वीडियो रखें, 1 to 2 minutes, 3 minutes, बहुत लंबी वीडियो नहीं हमें चाहिए। वी जस्ट नीड ए क्रिस्प 1 to 2 minute वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Let me share my screen. And today's lecture is on growth hacking and blitzscaling. So I love this topic. Blitzscaling. I'm a fan of blitzscaling. Blitzscaling का जो word है basically इसका जो origin है वो blitzkrieg से। Second World War में ये एक military strategy evolve हुई जिसमें आप बहुत massive offensive जो है ना वो opponent के against launch करते हैं और सरप्राइज कर देते हैं ओपोनेंट को, जो कि एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के अगेंस्ट भी यूज़ किया और 150,000 फुट से एकदम उनके शोर्स पे ला के लैंड करवा दिया।
Split scaling is a method to become a first mover at scale. Even if you are last mover or the second mover, so you become a dominant market share holder. So आप बहुत aggressively market share पे जाते हैं. इसको हम ब्लिट स्केलिंग कहते हैं. ब्लिट स्केलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. ब्लिट स्केलिंग हर स्टार्टअप के लिए नहीं. ग्रोथ हैकिंग की और टेक्निक्स भी हैं, ग्रोथ हैकिंग के और मेथड्स भी हैं. सो जो कि बहुत सारे मेजॉरिटी स्टार्टअप्स वो कर सकते हैं. ब्लिट स्केलिंग उन लोगों के लिए है, उन फाउंडर्स के लिए, उन स्टार्टअप्स के लिए, दोज हु आर कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, जो बहुत रिस्क लेना चाहते हो, जिनकी जिनकी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें वो बिलीव करते हो दे कैन चेंज द वर्ल्ड, दे कैन रियली गेन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. उनकी प्रोडक्ट वाकई एक तो डिजिटल प्रोडक्ट है और वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, लाइक मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं. दे रियली वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट फेसबुक, दे वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट ऊबर, नेक्स्ट करीम. सो ब्लिट स्केलिंग उन लोगों के लिए, एंड इट्स नॉट फॉर वीक हार्ट. ये थोड़ा सा नहीं, बहुत रिस्की पाथ है ये उन लोगों के लिए जो बहुत एग्रेसिव हो, किसी हद तक पागल हो, रिस्क लेना जानते हो, रिस्क लेना चाहते हो, उन लोगों के लिए. बिकॉज इट कैन, दिस पाथ इज सो रिस्की दैट यू इवन मे गेट किल्ड एज अ प्रोडक्ट और ए स्टार्टअप ऑन दिस जर्नी. हम स्टार्ट करेंगे अपने इनोवेशन फ्रेमवर्क से. सो इनोवेशन फ्रेमवर्क में हमने प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट आपने अचीव कर लिया. प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट इसके आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लें, उसके एम्पथाइज करें चार से पांच लोगों के साथ, और उस पर एक प्रोटोटाइप बना के उन्हीं के पास ले जाए, उनमें से मेजोरिटी कह दे यस. सो दैट्स अ प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट. फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट मार्केट फिट. प्रोडक्ट मार्केट फिट इज थोड़ा ब्रॉड भी है, बट अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कुछ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बिक गए हैं, यू हैव इनिशियली सेटिस्फाइड कस्टमर्स, हैप्पी कस्टमर्स, सो दैट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, फ्यू नंबर ऑफ यूनिट्स. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाता है बिजनेस मॉडल फिट, जो स्केलिंग का फेज है, जो ग्रोथ का फेज है. यहाँ पे हम इस वक्त ग्रोथ के फेज में है और ग्रोथ हैकिंग और ब्लिट स्केलिंग यहाँ पे यूज होती है. बिजनेस मॉडल कैनवस इज योर फ्रेंड. अगर आपने बिजनेस मॉडल कैनवस बहुत अच्छी तरह से फिगर आउट कर लिया, देन ओनली यू नीड टू प्रोडक्ट मार्केट फिट भी अचीव कर लिया, देन ओनली यू नीड टू थिंक अबाउट ग्रोथ हैकिंग एंड ब्लिट स्केलिंग. सो क्विकली रिपीटिंग योर वैल्यू, योर कस्टमर, हाउ यू विल डिलीवर योर वैल्यू टू योर कस्टमर एंड हाउ यू विल हैव ए फीडबैक, दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल कैनवस. और वंस यू फिगर्ड आउट बिजनेस मॉडल कैनवस, वंस यू फिगर्ड आउट प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, then you need to go towards scaling. And next, isme I'll be sharing two primary methods of scaling. One is very simple. This framework is developed by Professor Mark Turrell. Mark Turrell is a professor of strategy at Halt International Business School, and he has designed an amazing, simple, easy to use framework that can be used to scale your startup business. और ये जो method है, it's a very low cost method. आप limited resources के साथ अपना business scale कर सकते हैं. ये lecture slides हमने सबसे share कर दी हैं. इसमें इनका video lecture भी available है, इनकी video talk, TED talk भी available है, ये इनकी book Amazon पे available है. आप इनके notes बहुत सारी जो इन्होंने blogs लिखे हुए हैं वो भी पढ़ सकते हैं. But I'll introduce this. ये एक बहुत smart framework है जिसके, इसको वो कहते हैं स्मॉल स्मार्ट मूव्स फॉर आउटसाइज रिजल्ट्स. कि आप छोटे छोटे ऐसे क्या मेथड्स और ट्रिक्स एम्प्लॉय कर सकते हैं जो कि आपको आउटसाइज रिजल्ट्स बना सकते हैं. सो मार्क टरल का जो फ्रेमवर्क है, दैट कैन हेल्प यू क्रिएट समथिंग दैट कैन गो वायरल, दैट विल गो वायरल. सो आप इसमें मार्क टरल ये एक्सप्लेन करते हैं और बिल्ड करते हैं कि वायरलिटी इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट. Virality can be created like a standing ovation. आप सिनेमा हॉल में देखें, किसी सेमिनार हॉल में देखें, जब किसी के लिए क्लैपिंग शुरू होती है and then it travels. So similar in that line, या flu society में spread होता है. The most ideal example right now is corona. Corona is a virus and virus से virality drive हुआ है. So कितनी तेजी से वो spread होता है. लाइक वायरस वो स्प्रेड हो, वायरल हो जाए, लाइक अ क्लैप इन अ सिनेमा हॉल, लाइक ए क्लैप इन इन अ सेमिनार हॉल, इस तरह से कैसे चीजें स्प्रेड होती हैं. तो द साइंस ऑफ स्प्रेड को मार्क टरल ने बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया है और उस पर एक बहुत
डिफाइंड एक सिंपल इजी टू यूज फ्रेमवर्क किया है। बिफोर वी डाइव इनटू दिस स्ट्रेटजी टूलकिट, जो कि आपको एक नया लेंस प्रोवाइड करेगी दुनिया को देखने का, मार्क टरल वॉज माई प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटजी एट हल्ट, और उन्होंने मेरा दुनिया को देखने का जो लेंस है वो हमेशा के लिए चेंज कर दिया। आई सी द वर्ल्ड फ्रॉम एन अपसाइड डाउन प्रिज्म व्यू, मुझे दुनिया एक डिफरेंट तरीके से नजर आती है। स्टार्टअप फाउंडर्स को दुनिया को एक डिफरेंट तरीके से देखना है, यू नीड टू बी डिफरेंट। और वकारुल इस्लाम साहब हमारे साथ आए एक लेक्चर के लिए वीक वन में, और उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपके आपके सामने 6-7 लोग चलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं और उनमें से सब ने ब्लैक सूट पहना हुआ और एक बंदे ने व्हाइट सूट पहना हुआ, सो विल स्टैंड आउट। सो द वन हु इज वेयरिंग व्हाइट, द वन हु इज डिफरेंट। सो स्टार्टअप फाउंडर्स को दुनिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना होता है, एक डिफरेंट अप्रोच लानी होती है, एक नई अरेंजमेंट बनानी होती है। दिस इज इनोवेशन। इनोवेशन इज नॉट कॉपी पेस्टिंग, इनोवेशन इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। आपने वैल्यू एड करनी है, आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे एक नई अरेंजमेंट के थ्रू, तो उसमें से आप वैल्यू कैप्चर भी कर पाएंगे, दैट्स प्रॉफिट। तो इसमें अगर इफ यू गो फर्दर इन टू, सबसे पहले स्ट्रैटेजी टूल किट के जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो हम इस्टेब्लिश कर लें, और वो चार प्रिंसिपल्स हैं। इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग, टेल इट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। तो अगर आप बहुत बड़ा को गोल सेट करें, पहले लेट्स से यू सेट अ गोल कि आपने 100,000 एप्स अपनी डाउनलोड करवानी है, आप 100,000 कस्टमर लाना चाहते हैं, आप 10,000 कस्टमर लाना चाहते हैं। सो ये आपको जो साइंस ऑफ स्प्रेड का फ्रेमवर्क है या ये स्ट्रेटजी टूल के तहत तब हेल्प करेगी व्हेन यू हैव अ बिग गोल। आप गोल सेट करें कि आपने 100,000 कस्टमर लाने हैं, आपने 10,000 कस्टमर लाने, 50,000 कस्टमर्स इन 3 मंथ्स या इन 6 मंथ्स, तो बहुत एम्बिशियस गोल सेट करें। सो डिफाइन व्हाट डू यू वांट, पहले उसको क्वांटिफाई करें कि वो एम्बिशियस गोल है क्या। नंबर एंड टाइम, क्वांटिटी एंड टाइम डिफाइन करें कि आपका जो गोल है दैट इज 100,000 कस्टमर, 1 लाख कस्टमर इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, दैट्स योर नंबर। और फिर उसमें टाइम फ्रेम भी आपने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इज उसको पब्लिक कर दें, लाइक हमने एक बहुत एम्बिशियस गोल सेट किया है, 500 बिलियन डॉलर इकोनॉमी by 2030, $500 billion innovation economy in Pakistan by 2030. हमने बहुत ambitious goal set किया है, अपने आप को time frame दिया है 10 years, और उसको public कर दिया। CGI और Lahore Garrison University ने मिलके we have created a very ambitious goal. So we are working on that to blitz scale कि उसको में exponential growth कैसे लाएंगे। इसी तरह से आप एक बहुत बड़ा ambitious goal set करें and give yourself a time frame, quantify करें और time frame दें, and then tell it to as many people as you can. Don't be afraid कि आपका जो गोल है कोई लेके चला जाएगा, because it's your goal, nobody can steal that, because it's your goal, nobody can copy your passion, because आपने वो बनाया, वो जितना आप उसके लिए passionate है कोई और नहीं हो सकता। तो इसलिए don't be afraid, tell it to as many people as you can। और then पे strategy के दो बहुत important rule, once you have a goal, time frame आपने announce कर दिया, लोगों को बताना भी शुरू कर दिया, now आप उसकी implementation की तरफ जा रहे हैं। strategy के दो important rules हैं, इट्स ईजी एंड बी लेजी। सो पहली दफा सुनने में थोड़ा वियर्ड भी लगता है, इट्स ईजी एंड बी लेजी। इट्स ईजी का मतलब यह है कि टेल योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट, ओवरकम इट इन इन योर हेड फर्स्ट, ओवरकम दैट फियर, दैट फियर ऑफ फेलियर इन योर हेड। तो आपको अगर लगे कि मैंने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया है, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन नेवर अचीव इट। तो पहले अपने हेड में ओवरकम करेंगे, येस आई कैन डू इट, मैंने गोल सेट किया है, बहुत एम्बिशियस है, बट आई हैव अ प्लान टू डू इट। सो देन दिस इज नंबर वन, इट्स इजी, ओवरकम इट इन योर हेड फर्स्ट। देन बी लेजी, बी लेजी का मतलब ये नहीं कि घर जाके सो जाएं कि मैंने गोल सेट किया है और मेरे स्ट्रेटजी के प्रोफेसर ने बताया, बी लेजी। बी लेजी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वी कनेक्टेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जो आप करना चाह रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली किसी ने पहले अचीव कर लिया होता है। दे आर वेरी रेयर थिंग्स जो कि दुनिया में जिसके लिए आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी। सो फाइंड आउट समवन हैज डन ऑलरेडी दैट, समथिंग सिमिलर टू दैट, एंड सक्सेस लीव्स ट्रैक, यू जस्ट नीड टू फॉलो द ट्रैक्स। दूसरों से सीखें, बी लेजी का मतलब ये है कि दूसरों से सीख लें, एंड डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। आप व्हील दोबारा से ना बनाने की कोशिश करें। बहुत सारा अमेजिंग काम दुनिया में हो चुका हुआ है और वो लोगों ने शेयर कर दिया हुआ, इट्स पब्लिक, यू कैन री यूज दैट। अब इससे अगले जो दोनों चीजें हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आज शायद आपको मुश्किल हो समझ नहीं आए,
प्रॉमिस मी, आप इसको अगर 2-3 दफा पढ़ेंगे, इसको बिल्ड करेंगे और खुद से स्टडी बनाएंगे अपनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में, सो ओवर द टाइम आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। बिकॉज अगर आपने बहुत बड़ा ड्रीम अचीव करना है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज आपने कैसे करना है, बिकॉज दैट ड्राइव्स, दैट डिटरमिन्स योर फ्यूचर, दैट डिटरमिन्स द ग्रोथ ऑफ योर आइडिया, दैट डिटरमिन्स द ग्रोथ ऑफ योर स्टार्टअप। तो दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये दुनिया पूरी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। आपका एक पर्सनल नेटवर्क है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, आप उस नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन आप उसके साथ एक यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का हिस्सा है, एक फ्रेंड सर्कल का हिस्सा है, एक किसी प्रोफेशनल सर्कल का हिस्सा हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप खुद से अगर अपने आप को एनालाइज करें, सो यू एग्जिस्ट इन मल्टीपल नेटवर्क, नॉट जस्ट वन। आप खुद से जस्ट लिस्ट डाउन, आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का हिस्सा है। नेटवर्क मीन्स द कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, नॉट जस्ट वाईफाई नेटवर्क। सो आप डोमेस्टिक नेटवर्क, अपनी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, सोसाइटी के, कम्युनिटी के डिफरेंट नेटवर्क्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो आप जो आपके बाइंग डिसीजन है, जो आपके प्रोडक्ट डिसीजन है, वो ये सारे नेटवर्क इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर आप इसको, और इनमें से किसी एक नेटवर्क को हैक करके, एक नेटवर्क का हिस्सा बन के आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन्हीं, उस नेटवर्क के जो लोग हिस्सा हैं उनके बाइंग डिसीजंस को। ये है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मैनेज करना। कि अगर आपने ये समझ लिया कि दुनिया में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मॉडल करना शुरू कर दिया इन योर हेड, तो यू कैन बेटर फिगर आउट कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो आपने हैक करना है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और उस नेटवर्क को हैक करके उसमें उस नेटवर्क का जो हिस्सा है, जो लोग, उनके बाइंग डिसीजन को आपने इन्फ्लुएंस करना। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके घर में कोई एक वॉल्स आइसक्रीम बाय करके ले आता है, कोई भी आइसक्रीम का ब्रांड बाय करके ले आता है, दैट वुड इन्फ्लुएंस योर बाइंग डिसीजन फॉर द आइसक्रीम फॉर नेक्स्ट टाइम। जो भी आपके घर में अगर आपके अब्बा कोई एक आइसक्रीम का ब्रांड बाय करके ले आए हैं, तो अब आप अगली दफ़ा जब आइसक्रीम बाय करने जाएंगे, तो उनका डिसीजन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगा। तो सिमिलरली अगर आप ब्रॉडर स्केल पे देखें, यूनिवर्सिटी में, अगर यूनिवर्सिटी में से आपके फ्रेंड्स को एक पर्टिकुलर ब्रांड बाय कर रहे हैं, दैट वुड इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अगर मैं आपके लिए आसान बनाऊँ, सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करूँ, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं सिंपली, स्टेट मेमोरी एंड इंटरेक्शन। और इसकी बहुत सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, दैट इज एन आंट कॉलोनी। जो आंट्स मूव कर रही होती है, चींटियां जो मूव कर रही होती है ना, उनको ऑब्जर्व करें, एंड दैट इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल। जो आंट्स हैं उनके पास बहुत लिमिटेड मेमोरी है, बहुत लिमिटेड कॉग्निटिव एबिलिटी है, स्टिल दे मैनेज टू रन ए कॉलोनी। एक पूरी पूरी कम्युनिटी उनकी बिल्ड होती है, वो फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, अगर वो कतार में मूव कर रही हो, आप उनको ऑब्जर्व करें, दैट इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल। लेकिन उसके अगर आप डीकंस्ट्रक्ट करें, तो वो क्या काम कर रही होती है, सिर्फ 2 चीज़ें। स्टेट मेमोरी, वो अपने टेंटिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट, जब चींटियां मूव कर रही होती हैं कतार में और एक जगह से दूसरी जगह फूड मूव कर रही होती हैं, तो अगर आप उनको ऑब्जर्व करें, और ऑनलाइन इस पर बहुत सारी लेक्चर्स और ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, वीडियोज देख लें, कि वो एक चींटी दूसरी चींटी से अपने टेंटिकल्स मिलाती है और सिर्फ 2 चीज़ें एक्सचेंज करती है। स्टेट, ये करंट स्टेट क्या है, उनके पास सिर्फ 2 चीज़ें, स्टेट मेमोरी, और इंटरेक्ट कर सकती है, सिर्फ वो इंटरेक्ट कर सकती है और करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट बता सकते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ें कि करंट स्टेट क्या है और इंटरेक्शन, इनकी मदद से एक सिंपल कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिल्ड हुआ हुआ है। सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड से मत मिलाएं कि दुनिया इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ नहीं आएगी। नहीं, एवरीथिंग इज मैथमेटिकल, जो मैथमेटिशियंस हैं, दे बिलीव कि एवरीथिंग कैन बी मॉडर्न, सो आई बिलीव साइंस सारी इसी पे एग्जिस्ट करती है, मॉडर्न प्रोग्रेस सारी इसी पे एग्जिस्ट करती है, 80% प्रोबेबिलिटी पे सारी टेली कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर रही है, उसी 80% प्रोबेबिलिटी पे ही ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये ब्रॉडकास्ट होकर आपके पास आ रही है। तो 80% प्रोबेबिलिटी इज गुड इनाफ कि हमारा सारा का सारा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क उस पर बेस कर रहा है। सो जो हर चीज़ को मैथमेटिकली मॉडल किया जा सकता है, और इसी पे आपको बिलीव करना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझ आना शुरू हो गई, आपको आपको नेटवर्क्स की समझ आना शुरू होगी,
देन यू कैन मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल. कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड डिजाइन एन इंटरवेंशन. फिर आप इंटरवेंशन डिजाइन कर सकेंगे. लेट से यू कम अप विद अ न्यू कोला ड्रिंक, ए न्यू एनर्जी ड्रिंक, और मार्केट में बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, आपने उनको डिसलॉज करना है, उनकी जगह पे अपनी प्रोडक्ट लानी है. तो दैट्स अ वेरी अपहिल टास्क, बहुत मुश्किल काम है. उसको कैसे अचीव करेंगे? दिस इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. जब आपको ये समझ आना शुरू होगी कि लोगों का कोला का बाय करने का डिसीजन कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, एंड देन यू कैन डिजाइन एन इंटरवेंशन, एंड देन यू कैन प्रिडिक्ट ये अगला ये डिसीजन कैसे लेंगे, और आप एक इंटरवेंशन उस पर डिजाइन कर सकेंगे. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आज ही आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बट स्टे विद मी. गुड थिंग इज कि ये आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा, इसको बार बार सुने. नेक्स्ट आप इन पे फर्दर मार्क टनल की टॉक को सुने, और इसको फर्दर यू कैन रीड मोर ऑन द ब्लॉग्स, और इस टॉपिक को फर्दर बिल्ड कर सकते हैं. इफ आई कैन मे आस्क अ क्वेश्चन, के इस स्लाइड के ऊपर डोंकीज की पिक्चर भी है. इफ समवन फ्रॉम द ऑडियंस कैन आंसर व्हाई इज इट कि डोंकीज यहाँ क्या कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ए न्यू स्ट्रेटजी टूलकिट, और उसमें डोंकीज यहाँ पे मौजूद हैं. इफ समवन कैन आंसर प्लीज. न्यू स्ट्रेटजी टूलकिट. अब हम आते हैं उसके फ्रेमवर्क के ऊपर. सो द फ्रेमवर्क इज सिंपल. इसको अगर मैं आपके लिए आसान करूं, आसान अल्फाज में डिफाइन करना चाहूं, देयर आर थ्री थिंग्स: इमरजेंस, नेटवर्क एंड वेव. इमरजेंस, नेटवर्क एंड वेव. इमरजेंस इज दैट यू नीड टू क्रिएट समथिंग, एन इमरजेंस. यू नीड टू कि आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसे हम प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं. तो आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट जरूर हो, तब आप स्केलिंग की तरफ जाएं, एक नए फ्रेमवर्क की तरफ जाएं, आप बड़े एम्बिशियस गोल को अचीव करने की तरफ जाएं. नेक्स्ट इज नेटवर्क. अंडरस्टैंड कि नेटवर्क्स में कैसे दुनिया एग्जिस्ट करती है, और उनमें से कौन सा नेटवर्क है जो आप एहसान सत्ती कह रहे हैं, दे ऑल्सो लिव इन हर्ड अबाउट द डोंकीज. मैं इफ आई मे क्विकली जंप बैक, अगर आप डोंकीज को ऑब्जर्व करें, डोंकीज अगर आप एक डोंकी कुछ करेगा तो रेस्ट ऑफ देम विल फॉलो. जरक कह रहे, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट लाइक ए डोंकी, लाइक यू रियली नीड टू वर्क हार्ड. नहीं, डोंकीज को आप सिर्फ इस एक डिफरेंट लेंस से देखें. यहाँ पे मैंने आप एक अपसाइड डाउन प्रिज्म भी आपको इसीलिए शो किया है, दैट यू नीड टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. इस पे मार्क टनल ने एक अच्छी एग्जाम्पल दी कि ही सेड कि बर्लिन के आउटसाइड पे ना एक डोंकी फॉर्म था. ही वेंट देयर, उस कैरेट्स थ्रो किए, एक डोंकी ने फॉलो, एक डोंकी आया, उसने कैरेट्स पिक किए, एंड देन ऑल डोंकी स्टार्टेड फॉलोइंग. मैं कोई एनालॉजी नहीं बनाना चाहता, बट यू आर इंटेलिजेंट पीपल, आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा. So rest, I leave to your imagination. Emergence, network or wave. You need to have a product market fit. Emergence, or kuch paying customers ho, and you really believe in your product. Aap samajhte ho ki ab ispe hundreds of thousands of customers aa jane chahiye. Next is network. Hum sab networks mein exist karte hain. So kaun sa network hai? University ke andar, let's say we take an example of International Islamic University, Islamabad. They have 30,000 students. So if you come up with a product जो कि students के लिए really student desire, Islamic University से अच्छा कौन सी example हो सकती है? Last for example, there are 40,000 plus students. Bahauddin Zakaria University Multan has 40,000 plus students. Then Punjab University has 40,000 plus. Karachi University has a huge number of. If you can come up with a product जो कि students के लिए ideal हो, और students really desire to get them. The network that you want to hack, और ये वाई फाई नेटवर्कस ना हैक करें, बिकॉज ये मत सोचिएगा कि मैंने कहा था नेटवर्क हैक करें तो आपने वाई फाई नेटवर्क हैक करने शुरू कर दिए. सो हैक अ नेटवर्क, लाइक यू बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर इन दैट नेटवर्क. सो यूनिवर्सिटीज वुड बी द आइडियल नेटवर्क, जहाँ पे आप जाएँ और अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करें, जिस और वहाँ पे एक्चुअली सेल्स भी नहीं करनी,
आपने सिर्फ उनका बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करना है, फिर वहां सिर्फ मार्केटिंग करनी है, सेल्स खुद से हो जाएगी। एंड देन वेव्स इज, वेव के अंदर भी आइदर यू कैन कैच अ वेव और यू कैन क्रिएट अ वेव, यू कैन क्रिएट एन इवेंट। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है और आप सामो एक यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं, एक फन इवेंट, और उसके ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है, मार्केटिंग भी हो जाती है, और आइडियली सेल्स भी हो जाती है। सो दैट इज वन गुड एग्जाम्पल ऑफ वेव्स। आई लीव इट दिस फ्रेमवर्क फॉर यू, आप इसको डिटेल में फर्दर पढ़ सकते हैं। दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑफ मार्क, लिंक इसका गिवन है, उनकी टॉक्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन फर्दर डाइव डीप इनटू दिस। एंड विद दिस हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लिट्ज स्केलिंग, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बाई द वे आई रिपीट, जो मार्क टरल का फ्रेमवर्क है, दिस इज फॉर एवरीवन, ये कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, एनी स्टार्टअप, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। यू आर ए कन्वेंशनल प्रोडक्ट, और बहुत ही सिंपल किस्म की प्रोडक्ट है, बहुत ही नॉन टेक प्रोडक्ट है, स्टिल यू कैन इम्प्लीमेंट मार्क टरल्स फ्रेमवर्क। दिस स्ट्रेटजी टूल किट इज फॉर एवरीवन, हाउ साइंस ऑफ स्प्रेड जो है वो सबके लिए, और इट इज जनरली वेरी लो कॉस्ट, और इस पे आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी खर्च नहीं करनी पड़ती, ये सबके लिए। इसीलिए पहले मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है, एवरी स्टार्टअप फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान कैन यूज दिस। यस, मार्क टरल हैज विजिटेड पाकिस्तान बिफोर एंड ही विल बी विजिटिंग अगेन पाकिस्तान वेरी सून। वो डिजिटली हमें यहाँ पे एक लेक्चर में कुछ वीक पहले अवेलेबल भी थे। मार्क टरल इज फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड ही विल बी विजिटिंग पाकिस्तान सून। देन जो सेकेंड चीज है, दिस इज ब्लिट्ज स्केलिंग। अब जो ब्लिट्ज स्केलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ये मैं बार बार वर्ड ऑफ कॉशन, दिस इज फॉर समवन हु रियली वांट्स टू पुल ए हॉकी स्टिक, दिस इज समवन हु रियली वांट्स टू पुल एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि यू वांट टू ग्रो फ्रॉम 10 कस्टमर्स टू 10,000 कस्टमर्स इन 3 मंथ्स और 100,000 कस्टमर्स इन 3 मंथ्स। सो ब्लिट्ज स्केलिंग उन लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर वीक हार्ट पीपल, ये बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही रिस्क टेकिंग जर्नी है। रीड हॉफमैन इज द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन एंड ही केम अप विद दिस ब्लिट्ज स्केलिंग। सो और इस पे आई रियली एडमायर रीड हॉफमैन, इस पे उनके एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु जंप्स ऑफ अ क्लिफ एंड बिल्ड्स अ प्लेन ऑन हिज वे डाउन। वो एंटरप्रेन्योर को तो डिफाइन ही रीड हॉफमैन इस तरह से करते हैं, दैट एंटरप्रेन्योर इज समवन हु जंप्स ऑफ द क्लिफ, वो जंप पहले मार देता है एंड देन बिल्ड्स हिज विंग्स ऑन द वे डाउन हिज, और फिर आप जब जंप मार के रस्ते में, बिफोर यू हिट द ग्राउंड, जमीन पे गिरने से पहले आप अपने विंग्स इन्वेंट करते हैं। यू क्रिएट योर रिसोर्सेज, यू इन्वेंट योर रिसोर्सेज। सो दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप ट्रूली, दिस इज जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप। एंड देन आई ऑल्सो एग्री दैट नॉट एवरीबॉडी नीड्स टू बी एन अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप। सब आज ये नहीं हो जाना चाहिए कि तमाम 400 के 400 पार्टिसिपेंट्स हमारे जंप मार दें, क्योंकि इमरान साहब ने कहा था कि जंप मार दें तो वी आर ऑल जंपिंग ऑफ। यू नीड टू प्लान योर जंप। उसके लिए हो सकता है कि आप कुछ टाइम पे अपॉर्चुनिटी, कुछ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप करें। वो जो बनाना वाली पिक्चर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, दैट आप हो सकता है पहले सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, अपना रिजर्व्स बिल्ड कर रहे हो, स्टेबल कैश फ्लो बिल्ड कर रहे हो, सो दैट यू सर्वाइव टिल द टाइम कि आप इनोवेट कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट, अपनी इनोवेशन बना रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। वंस आपने इनोवेशन क्रिएट कर ली है, आपने वो सीक्रेट इन्वेंट कर लिया, सीक्रेट इज सिंपल इन्वेंशन। इनोवेशन के अंदर आपने सिंपली एक न्यू अरेंजमेंट बनानी होती है, इनोवेशन के अंदर आपने कुछ भी इन्वेंट नहीं करना, आपने स्क्रैच से नहीं बिल्ड करना, जस्ट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की एक नई अरेंजमेंट बनानी है, एंड वो अरेंजमेंट मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएट कर रही है। वो आपने जब कर लिया, उसके बाद देन यू नीड टू जंप एंड देन यू रियली वॉन्ट टू ग्रो योर कस्टमर बेस एक्सपोनेंशियली, दैट इज वेन यू नीड टू एम्प्लॉय ब्लिट्ज स्केलिंग। और ये परमानेंट बीटा मैं अपने हर लेक्चर में शेयर करता हूँ, ये भी रीड ऑफ में ही कहते हैं, दैट यू ऑलवेज नीड टू बी अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई माई सेल्फ आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टिल एम अ स्टूडेंट, आई ट्राई टू लर्न एवरी सिंगल डे, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू नो हैज अ हाफ लाइफ वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स। आज आप जो कुछ भी जानते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उसकी हाफ लाइफ जो है ना 2 ईयर्स है। मीन्स आज आप जो भी जानते हैं 2 साल के बाद उस
ऑब्सलीट हो जाएगा. सो डोंट ट्राई टू कीप दैट नॉलेज टू योर सेल्फ, बिकॉज आज आप जो भी जानते हैं 2 साल में वो ऑब्सलीट हो जाएगा. एंड देन ब्लिट स्केलिंग को रीड ऑफ में डिफाइन करते हैं. ब्लिट स्केलिंग इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्पीड और ओवर एफिशिएंसी इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. ब्लिट स्केलिंग इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्पीड ओवर एफिशिएंसी इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. ब्लिट स्केलिंग उन लोगों के लिए है जो अनसर्टेनिटी के साथ काम कर सकते हो, जो अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो. ये रियली हार्ड कोर एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है जो कि अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल है, जो कि फेल होने के लिए तैयार है, जो कि दोज हु आर रेडी टू एम्ब्रेस द फेलियर, दोज हु आर रेडी टू हैंडल द फेलियर. एंड ब्लिट स्केलिंग इज स्पीड ओवर एफिशिएंसी. आप में से कितने लोग आतिफ रहमान को जानते हैं? इफ एनीबॉडी हु नोज आतिफ रहमान प्लीज कमेंट. आतिफ रहमान इज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ओरिजिन गाय. एंड आतिफ रहमान ने लिंक्डइन को लिंक्डइन बनाया है. आतिफ रहमान वॉज वीपी ऑफ ग्रोथ एट लिंक्डइन और उन्होंने 500,000 से हाफ अ मिलियन से लिंक्डइन को ज्वाइन किया एंड देन ही लेड इट टू 500 मिलियन, हाफ अ बिलियन कम्युनिटी. और उनकी ये टॉक जो है, ये हमने लिंक आप लोगों से शेयर कर दिया है. इस पे एक समरी समरी ब्लॉग भी हमने पब्लिश किया हुआ है कि कैसे आपने स्केलिंग करनी है अपने स्टार्टअप के लिए, स्केलिंग स्ट्रेटजीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है. ये बहुत ज़बरदस्त इनकी टॉक है, इसको भी ज़रूर सुने और इस ब्लॉग को भी आप पढ़ सकते हैं. ब्लिट स्केलिंग, ब्लिट स्केलिंग इज स्पीड ओवर एफिशिएंसी. सो लाइक यू ग्रो वेरी फास्ट, यू ग्रो एक्सपोनेंशियली और उसके अंदर, यस सर बिल्कुल, इंडस वैली कैपिटल इन्हीं का है, आतिफ रहमान साहब का. एंड ही इज ऑल्सो द इन्वेस्टर ऑफ एयरलिफ्ट एंड सम अदर स्टार्टअप इन पाकिस्तान एज़ वेल. तो दिस इज ब्लिट स्केलिंग. इसको अगर आप देखें तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन आप लोग करके आ रहे हैं पहले से, एंड ग्रोथ और मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें जो आपने ओवर द टाइम एक्वायर करनी है, आपने सीखनी है. तो ब्लिट स्केलिंग में बिजनेस मॉडल इनोवेशन आपने वहां से शुरू किया, ग्रोथ को हैंडल करना और मैनेजमेंट को ओवर द टाइम. बिकॉज व्हेन यू ग्रो एक्सपोनेंशियली तो आपके आपके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होगी, आपका एचआर हेड काउंट ग्रो कर रहा होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू हैंडल दैट ग्रोथ एज वेल. ऐसा अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि आपने ग्रोथ तो ले आए स्टार्टअप के अंदर, कस्टमर आना शुरू हो गए, बट यू कैन नॉट हैंडल द ग्रोथ, देन दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक. सो ब्लड स्केल करते हुए आपने ये इसके लिए भी तैयार होना है कि साथ ही साथ आपने अपनी मैनेजमेंट को भी इनोवेट करना है, साथ ही साथ आपने भी ग्रो करना है ताकि आप उस ग्रोथ को हैंडल कर सके. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बहुत हाई लेवल की अनसर्टेनिटी होगी, हाई रिस्क ऑफ फेलियर होगा इसके अंदर, एंड पेनफुली डिफिकल्ट होगा ये प्रोसेस. इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल, काइंड हार्टेड पीपल. दिस इज अ वेरी फियर्स बैटल, यू प्रिपेयरिंग फॉर अ बैटल. ब्लिट स्केलिंग जो है कि अनसर्टेनिटी होगी, हर दिन एक नई फायर इरप्ट हो रही होगी, फेलियर का रिस्क बहुत हाई होगा, एंड देन डिफिकल्टी, पेनफुल डिफिकल्टी होगी. इफ यू आर रेडी टू एम्ब्रेस ऑल दिस देन गो टूवर्ड्स ब्लिट स्केलिंग. अदरवाइज वो जो साइंस ऑफ स्प्रेड का फ्रेमवर्क है, दैट फॉर एवरी वन. As I defined already, that it's about, all about prioritizing speed over efficiency. Excuse me for a second. Prioritizing speed over efficiency in the face of uncertainty. Prioritizing speed in the face of uncertainty. आपने स्पीड को नंबर वन प्रेफरेंस देनी है, एफिशिएंसी को कुछ कंप्रोमाइज करना है और अनसर्टेनिटी को इम्प्रेस करना. एंड देन दिस इज द रूल्स ऑफ ब्लिट स्केलिंग. ब्लिट स्केलिंग की बुक भी अवेलेबल है, रीड ऑफमैन की, यू कैन रीड दैट फॉर फर्दर
इन्होंने एक स्टैनफोर्ड में पूरा कोर्स डिलीवर किया ब्लड स्केलिंग पे, उसकी वीडियोस भी ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट, यू कैन व्यू दैट ऑल्सो, पूरा डिटेल कोर्स है। एंड प्लस ऑल्सो देर आर ब्लॉग्स अवेलेबल ऑन ब्लड स्केलिंग जिनको आप पढ़ के इसको फर्दर बिल्ड कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल यू गोइंग ऑन द ब्लड स्केलिंग जर्नी। एम्ब्रेस कैओस, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट कैओस बाय द वे। जो सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टार्टअप्स हैं या जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं, वो दे नो दिस के कैओस कैओस इज पार्ट ऑफ स्टार्टअप गेम। एवरीथिंग विल बी मैस, एवरीथिंग विल बी अनसर्टन। यू नेवर नो कि कल आप ग्रो करेंगे या कल आप डेड हो जाएंगे। सो यू नीड टू एम्ब्रेस दैट अनसर्टेनिटी, कैओस, उसको एम्ब्रेस करना है। बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। सो दिस इज नंबर वन रूल फॉर ब्लड स्केलिंग। एंड देन नंबर टू इज हायर मिस लाइक हायर द राइट पीपल। समवन इज वेरी एक्सपर्ट, कोई आपके नेटवर्क में समवन इज वेरी एक्सपर्ट, कोई बंदा बंदी बहुत एक्सपर्ट है, बट वो दे आर नॉट रेलेवेंट नाउ। वो कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, वो ऐप से फ्रेंडली नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं है। दे आर नॉट द राइट पिक फॉर योर टीम। तो आप अपनी टीम में राइट लोग हायर करें जो स्किल्स का और आपके कल्चर का राइट मैच हो। वो लोग उन लोगों को ऑनबोर्ड करें जो कि आपके साथ कल्चरली अलाइंड हो, टेक्नोलॉजी में करंट हो, ताकि आप अगर आपने इनअप्रोप्रिएट लोग अपनी टीम में ले आए जस्ट बिकॉज के एट वन टाइम दे वर एक्सपर्ट्स एंड दे आर एक्सेसिबल टू यू, दे विल नॉट हेल्प यू ग्रो। एंड देन वंस यू ऑनबोर्ड एग्जीक्यूटिव टीम, आप अपने नीचे एक एग्जीक्यूटिव लेयर लेके आते हैं, उन लोगों से गलतियां होंगी, सो यू नीड टू टॉलरेट दैट। अगर आप एक हाई ग्रोथ जर्नी पर जा रहे हैं तो आपके लोग गलतियां करेंगे, देन यू नीड टू टॉलरेट दैट। आप ये नहीं करेंगे, आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं कि स्पीड ओवर एफिशिएंसी पर जाओ, खुद से सेट कर रहे हैं, एंड देन फिर जब आपके जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो गलतियां करे तो आप उनको टॉलरेट ना कर रहे हो। एंड ये रीड ऑपन नेक्स्ट रूल फॉर रीड ऑपन सेज, इफ यू आर नॉट एम्बेरस्ड बाय द फर्स्ट रिलीज ऑफ योर प्रोडक्ट, यू आर ऑलरेडी लेट टू मार्केट। जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जनरली वो इस ऑब्सेशन में गुम होकर रह जाते हैं दैट दे वांट टू लॉन्च ए परफेक्ट प्रोडक्ट। ये कभी नहीं हो सकता। नो प्रोडक्ट इज एवर परफेक्ट, नो प्रोडक्ट। आज भी अगर आप अपने फोन में देखें तो 50 एप्स की अपडेट के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, दे स्टिल इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट एट योर कॉस्ट। सो आप कभी भी वेट मत करें कि प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगी फिर मार्केट लेके जाएंगे, बिकॉज कस्टमर डिसाइड करेगा कि ऐप के अंदर क्या फीचर्स चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स चाहिए। मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा। करीम के फाउंडर जो है मुदस्सिर शेखा, इज अ पाकिस्तानी, और आई हर्ड वन ऑफ हिज टॉकिंग, ही सेज कि हमने अपनी ऐप के करीम की ऐप के अंदर फीचर डिसाइड किए और जिनमें से कोई 8-10 फीचर्स ऐसे, और हमने एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया कि इस डेट को ऐप लॉन्च हो जाएगी। जब वो डेट आई तो हमारे ऐप के कुछ 8-10 फीचर्स थे जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो बने नहीं थे उसके अंदर। सो वी आर नो वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि हम ऐप लॉन्च कर दें या फिर हम वेट करें और वो फीचर्स उसमें बिल्ड करें और फिर लॉन्च करें। तो वी डिसाइडेड कि वी डिसाइडेड कि हम ऐप लॉन्च कर देते हैं। दे लॉन्च द ऐप एंड मेनी इयर्स आफ्टर लॉन्चिंग द ऐप ही सेड कि वो 8 फीचर्स जो विच वी थॉट फॉर एसेंशियल वो आज भी ऐप के अंदर नहीं है। सो डोंट ट्राई टू मेक अ परफेक्ट प्रोडक्ट। आप जल्द से जल्द मार्केट हिट करने की कोशिश करें। यू विल गेट सेकेंड लाइफ, यू विल गेट अ चांस। अगर आप बेयर मिनिमम कंप्लीट कर देंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, वैल्यू एड्स होती रहेंगी ओवर द टाइम। लेट फायर्स बर्न। अब यही बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप कस्टमर, हम जनरली आपको एडवाइस भी यही कर रहे होते हैं, कस्टमर की हर बात को सुने, कस्टमर की हर बात पे फॉरन एक्शन ले। लेकिन यहाँ पे आपको जब आप ब्लड स्केलिंग जर्नी पे जा रहे हैं, यू नीड टू बी इन दिस इज मोर ऑफ एन आर्ट एंड लेस ऑफ अ साइंस, कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फायर है जिसको आपने अभी नहीं बुझाना, कौन सा बर्निंग इशू है जिसको भी आपने छोड़ देना है, विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर योर स्टार्टअप सर्वाइवल, और उस पे फोकस कर देना। एंड इन द अर्ली डेज आपको कुछ ऐसे बैक भी जो रूल सेक्स है, अर्ली डेज में जब आप ब्लड स्केलिंग शुरू कर रहे हैं तो कुछ आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो कि स्केलेबल नहीं है, लाइक यू गो पर्सनली एंड डिलीवर अ पैकेज। वो बड़ा हाई वैल्यू कस्टमर है जिसका इंडोर्समेंट आपके लिए आपके स्टार्टअप को और हंड्रेड ऑफ कस्टमर्स दे देगा, लाइक ए मिनिस्टर और ए सेलिब्रिटी ऑर्डर्स योर प्रोडक्ट। तो
आप खुद से जाके, अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है और खुद से जाके उनको डिलीवर करते हैं, तो दे विल बी वेरी इम्प्रेस्ड कि आप ये प्रोडक्ट लेके उस पास आए, तो उनका एंडोर्समेंट कैन चेंज द फेट ऑफ योर कस्टमर और योर स्टार्टअप. तो अर्ली डेज में, रूल सक्सेस अर्ली डेज में आपको कुछ ऐसी चीजें भी करनी पड़ सकती हैं क्योंकि स्केलेबल नहीं है. वो शुरू में आप कर सकते हैं जस्ट टू गेन हाई वैल्यू कस्टमर्स, जस्ट टू गेन उन लोगों का, वो सेलिब्रिटी है, अगर वो आपके लिए एंडोर्समेंट कर देंगे आपकी प्रोडक्ट को, तो वो आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बन जाएगी. तो अर्ली डेज में आपको ऐसी चीजें भी करनी पड़ सकती हैं जो स्केलेबल ना हो. एंड देन रूल 7 अगेन इज ignore your customers. This is again very tricky and antithesis of what we have been advocating up till now. कि आपके customers बहुत सारी आपको suggestions भेज रहे होंगे, बहुत सारी feedback आ रही होगी. This is again more of an art and less of a science that you need to pick कि उनमें से किन चीज़ों को अभी से implement करना है, अभी implement करना है, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने defer करना है. Ignore your customers doesn't mean कि आपने customer की बात ही नहीं सुननी. It is that you just need to decide कि किस चीज़ को अभी implement करना है और किस चीज़ को defer करना है later part के लिए. So अगर मैं quickly repeat कर दूँ, let scaling is uncertainty, embrace and high risk of failure path और painful difficulty होगी. So the पहला framework जो introduce किया science of spread, that is for everyone. And the second one, blitz scaling, is for digital products, number one. And second, वो लोग, वो founders इस path को adopt करें जिन्होंने product market fit achieve कर लिया, number one. And second, वो वाकई risk takers हैं, because this is a highly painful, very difficult path, a painfully difficult path. Blitz, ये cost intensive भी है. इसके लिए blitz scaling के लिए जरूरी है कि you are very well funded as well. And then इसमें, this is very important, ये आप लोग बाद में देख सकते हैं कि ये सारे questions एक startup team को जरूर consider करने चाहिए before you go on to this. और फिर ये एक third growth hacking process है. This is again a simpler framework. ये आप में से हर कोई startup इसको implement कर सकता है. और जनरली बहुत सारे स्टार्टअप इसी पे काम कर रहे होते हैं. अगेन दिस इज फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स ग्रोथ हैकिंग प्रोसेस. जो मैं, इफ आई कैन रिपीट, नंबर वन वाज साइंस ऑफ स्प्रेड, नंबर टू वाज ब्लिट स्केलिंग, एंड नंबर थ्री इज दिस ग्रोथ हैकिंग. साइंस ऑफ स्प्रेड इज फॉर एवरीवन, किसी भी तरह की प्रोडक्ट है वो साइंस ऑफ स्प्रेड को यूज कर सकते हैं. नंबर टू वाज ब्लिट स्केलिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड वेरी वेल फंडेड प्रोडक्ट्स. नंबर थ्री इज ग्रोथ हैकिंग प्रोसेस. ग्रोथ हैकिंग इज फॉर डिजिटल, बट इसमें आप स्मार्ट प्ले करके कॉस्ट सेव कर सकते हैं. और इसके लिए ग्रोथ हैकिंग में बहुत, ये अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, यू नीड टू सेट केपीआईज, पर्सोनास आप लोग बहुत पहले से कस्टमर्स के, जिनके साथ आपने एम्पथाइज किया था, उनके डेवलप कर चुके हुए हैं. और फिर आप आइडियाज बनाएं और टेस्ट करें, अपनी पोस्ट जनरेट करें फेसबुक पे, जो कि उस टारगेट ऑडियंस के लिए हो, उस कस्टमर पर्सोनास के लिए हो, उसको टेस्ट करें. एंड देन क्रिएट, मतलब आप मल्टीपल आइडियाज और वो पाइपलाइन जनरेट करते रहें और एक्सपेरिमेंट्स रन करते रहें. दिस इज द फॉर्मल प्रोसेस. मैं यहाँ से टाइम सेव करके, दिस लेक्चर इज शेयर्ड विद यू. मैं चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से, बिकॉज आज टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास, मैं आई वॉन्ट टू जम्प इन टू पिच डेक, बिकॉज पिच डेक आप लोगों ने बना के सबमिट करना है बाय थर्सडे, उसकी वीडियो बना के. दिस वुड बी, दिस इज शेयर्ड विद यू, आप इस पर काम कर सकते हैं. This is very simple, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, smart goal set करें और growth hacking आपको achieve, help करेगी उनको achieve करने में. Now coming to the pitch deck, which is very important, क्योंकि आप लोगों ने by Thursday 20th August अपना pitch deck बना के उसको PowerPoint के अंदर उसकी video record करके वो Facebook पे या YouTube पे upload करनी है और वो video link हमसे share करना है. पिच डेक के लिए यू स्टार्ट विद बिजनेस मॉडल कैनवस. अगर आपने बिजनेस मॉडल कैनवस अच्छा कर लिया है, दिस वुड गेट ट्रांसलेटेड इनटू योर पिच डेक एज वेल. बिजनेस मॉडल कैनवस इज अ वेरी पावरफुल टूल. इस पे गए कावासाकी की बहुत अच्छा टेम्पलेट है 10 स्लाइड्स पिच डेक का. ये हमने आपसे लिंक भी शेयर कर दिया है,
ये हम आपसे 10 स्लाइड्स का स्पेसिफिक टेम्पलेट भी शेयर कर देंगे। मैं आई जस्ट वॉक यू थ्रू कि ये आपको कैसे बनाना है, और ये आपका बिजनेस मॉडल कैनवस डायरेक्टली इसमें ट्रांसलेट हो जाता है। और इसमें 10 स्लाइड्स हैं, टाइटल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन वैल्यू प्रोपोजिशन आपकी क्या है, आप अंडरलाइंग मैजिक इज लाइक योर इनोवेशन, क्या आप क्या मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल कैनवस में और बिजनेस में फर्क है। आप ये ख्याल रखें कि आपने बिजनेस मॉडल की स्लाइड पे अपना बिजनेस मॉडल कैनवस पेस्ट नहीं कर देना। मैं बिजनेस मॉडल को इस तरह से डिफाइन करता हूँ, अगर आप सिंपली 3 वैल्यूज लिखें, यूनिट कॉस्ट, नंबर ऑफ सेल्स इन अ ईयर एंड रेवेन्यू। यूनिट लेट से आपकी प्रोडक्ट की, अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है कुछ भी, यूनिट कॉस्ट 100 रुपीज है। तो आप लिखें यूनिट कॉस्ट क्या है आपके प्रोडक्ट की। नंबर टू कि एक साल में कितनी सेल्स कर लेंगे, लेट से एक साल में आप 10,000 कस्टमर लाएंगे, 1 लाख कस्टमर्स लाएंगे, और एक साल में टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट कर लेंगे। दैट इज योर बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल और ये सब ड्राइव होता है बिजनेस मॉडल कैनवस से। अगर आपने बिजनेस मॉडल कैनवस अच्छा कर लिया है तो बिजनेस मॉडल इज देयर विद यू। एंड देन गो टू मार्केट प्लान आपका क्या है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी पे आपने डिटेल में सुन लिया है, लेक्चर आप लोगों ने अटेंड कर लिया हुआ है, उसी पे बिल्ड करें। अगर मैं आपके लिए रिवाइज कर दूं उसको क्विकली, कि आप पहले 10 कस्टमर अगर आपके पास आ चुके हैं, 100 कस्टमर कहाँ से आएंगे, 1,000 कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। यू नीड टू आइडेंटिफाई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मेरे पास बस रैंडमली मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और 100,000 कस्टमर। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल कि किन ज्योग्राफी से, किन नेटवर्क से, कौन से लोग होंगे जो आपकी प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे आके, आपके ब्रांड के साथ जुड़ेंगे आके। यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू हैव अ प्लान। कंपेटिटिव एनालिसिस, क्या आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, आपका कंपेटिटर किधर है, ऑन एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड प्राइस ग्रिड, क्वालिटी और प्राइस का एक मैप बनाएं, उस पर दिखाएं कि आपका कंपेटिटर किधर है, आप किधर हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, 5 साल में आप कितने बड़े हो जाएंगे, इन्वेस्टर आप में तब इन्वेस्ट करेगा जब आप 5 साल में बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएंगे। एंड देन मैनेजमेंट टीम, आप टीम को अपनी डिफाइन करें कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, वो क्या क्या रोल्स प्ले करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज क्या है। द लास्ट इज मैं जो करंट अकम्पलिशमेंट है, इसमें आप करंट अकम्पलिशमेंट भी लिख सकते हैं कि अभी तक आपने क्या कर लिया है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप फंडिंग रेज करने जा रहे हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए और उन पैसों से क्या करेंगे। लाइक डोंट जस्ट आस्क $1 million, डोंट जस्ट आस्क $5 million, टेल योर इन्वेस्टर कि व्हाई डू यू नीड दिस मनी, उस पैसे से क्या करेंगे, कितने और कस्टमर्स ले आएंगे, कितना बड़ी कंपनी बना देंगे इसको। और अपनी ये 10-20-30 रूल्स याद रखें किसी भी हर स्टार्टअप को अपने पिच डेक बनाते हुए, कि आपको सिर्फ स्लाइड डेक इनिशियल डेज में स्पेशली शुड बी अराउंड 10 स्लाइड्स, बहुत सिंपल होना चाहिए, हाई कंट्रास्ट बनाएं। लाइक इफ यू द बैकग्राउंड इज लाइट तो टेक्स्ट कलर शुड बी डार्क, और अगर बैकग्राउंड डार्क है तो जो टेक्स्ट है वो लाइट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए, जो आपकी स्लाइड डेक है ना वो बहुत हाईली रीडेबल होना चाहिए। उसकी रीडेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करें, उसके डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, बहुत सिंपलिस्टिक रखें, डिज़ाइन में बहुत सिंपल रहें। देन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो बनना चाहिए। अगर आप बहुत ही एक प्रोफेशनल पेशे देखें तो उसके अंदर इतना कंटेंट ना डाल दें कि 20 मिनट से ज़्यादा आपको लग जाए उसको प्रेजेंट करने में। एंड कोई भी फॉन्ट साइज 30 से कम नहीं होना चाहिए। रीडेबिलिटी को मैक्सिमम प्रेफरेंस दें अपने पिच डेक पे। ये मैं आपसे बता चुका हूँ आपको। देन आई क्विकली गो थ्रू विद दिस। ये 10 स्लाइड का टाइटल स्लाइड पे आपको इमेज यूज कर सकते हैं, अपना ब्रांड का नाम लिखें, स्टार्टअप का नाम, और अगर कोई सोशल मीडिया पेजेस आपके हैं तो वो जरूर शेयर करें। एंड नंबर टू जो स्लाइड होगी उसके ऊपर आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, या आपने कितना बड़ा गैप आइडेंटिफाई कर लिया है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली है। लाइक दिस इज ए प्रॉब्लम विद मिलियन पीपल, और 10 मिलियन पीपल, और एटलीस्ट 100,000 पीपल। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। देन वैल्यू प्रोपोजिशन जो है, अगर आप बिजनेस मॉडल कैनवस से इसको रिलेट करें, सो योर वैल्यू एंड योर कस्टमर, इनका जो कम्बिनेशन है, दिस इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन। आपने क्या वैल्यू क्रिएट की है और किसके लिए की है, दिस इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन। सो ये बिजनेस मॉडल कैनवस से डायरेक्टली यहाँ पे आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन जनरेट करके लिख सकते हैं। अंडरलाइंग मैजिक इसको कावासाकी लिखता है, बट मैं आई विल से कि आप इसको अपनी इनोवेशन भी लिख सकते हैं। स्लाइड 4,
आप इसको अंडरलाइन मैजिक लिखें कि आपने सीक्रेट क्या किया इसके अंदर, या व्हाट वैल्यू यू एडेड, आपने इनोवेशन क्या की है, तो दैट वुड बी नंबर 4। एंड देन नंबर 5 वुड बी बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, दैट इट ड्राइव फ्रॉम बिजनेस मॉडल कैनवस। लेकिन ये बिजनेस मॉडल कैनवस यहाँ पे पेस्ट आपने नहीं करना, दिस इज वेरी सिंपल। आपकी यूनिट प्राइस क्या है, एक साल में कितनी सेल्स कर लेंगे और एक साल में टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट कर लेंगे, या फिर आप प्रॉफिट मार्जिन भी लिख सकते हैं कि इसमें एक साल में इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो अगेन बिजनेस मॉडल को इतना सिंपल होना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि आप इस चीज़ के लिए, ये वैल्यू आपने क्रिएट की है, इस वैल्यू के लिए ये चार्ज कर रहे हैं और एक साल में इतने पैसे कमा लेंगे। गो टू मार्केट प्लान आपका इसी बिजनेस मॉडल से अलाइंड होना चाहिए कि आप एक साल में इतनी सेल करने जा रहे हैं, तो वो कस्टमर, लेट से आपने टारगेट सेट किया 10,000 कस्टमर्स का, 100,000 कस्टमर्स का, मिलियन कस्टमर्स का, वो कैसे अचीव करेंगे? तो वो यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टेप बाय स्टेप कि पहले 10 कस्टमर्स कहाँ से टैप इन करेंगे, सोशल नेटवर्क से, फ्रेंड्स फैमिली से। आइडियली गो टू मार्केट प्लान में आप पहला कस्टमर भी लिखते हैं कि पहला कस्टमर कौन होगा, वुड दैट बी योर फादर, मदर, फ्रेंड, फैमिली, कौन होगा? एंड देन 10 कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, 50 कस्टमर्स, 100, एंड ऑल द वे, आप जो भी आपका टारगेट है। दिस इज योर स्लाइड 6। स्लाइड 7 इज कंपेटिटिव कि आपका एडवांटेज क्या है। तो आप सिंपली एक ग्रिड बनाएं क्वालिटी और प्राइस का कि आपके जो कंपटीशन है वो क्या। एंड जो मेजॉरिटी स्टार्टअप्स, यहाँ पे भी एक गलती करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने ये सुने, वो कहते हैं हमारा कंपटीशन ही कोई नहीं है। देर इज हार्डली एनी कंपनी, देर इज हार्डली एनी स्टार्टअप जो जिनके कंपटीशन ना हो मार्केट के अंदर। लोग ऑलरेडी वो नीड फुलफिल कर रहे होते हैं, मे बी कोई इनफॉर्मल मैथड होगा बहुत, लाइक करीम और ऊबर से पहले भी लोग गाड़ी हायर करते थे, वो एक इनफॉर्मल सर्विस थी, बट द कंपटीशन वॉज देयर। तो सिमिलरली आप किसी कोई भी स्टार्टअप ये ना कहें कि मेरा कंपटीशन नहीं है, जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड योर कंपटीशन। एंड उसके बाद मैनेजमेंट टीम आ जाती है। स्लाइड नंबर 8 इज योर टीम। आप अपनी टीम को डिफाइन करें, हर एक के स्किल सेट क्या है, उसका रोल क्या है, लाइक हर एक के पास क्या स्किल है। लाइक समवन नोज मार्केटिंग, तो वो मार्केटिंग को हेड कर रहा है। समवन नोज एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ओवरऑल टीम को लीड कर रहा है। टाइटल्स के ऑब्सेशन में ना घूमो। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को डोंट एडवाइस कि आप सीईओ, सीएमओ, सीएक्सओ के उसमें नहीं घूमो। बेटर टू यूज को-फाउंडर, को-फाउंडर यूज करें, टीम लीड यूज करें, स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। बहुत अर्ली डेज में सीईओ ना बन जाए। अ जीरो रेवेन्यू कंपनी डजंट रिक्वायर अ सीईओ। और अगर आपका जब रेवेन्यू आएगा, जब ग्रोथ आएगी, तो फिर टाइटल्स लें। एंड देन नेक्स्ट इज स्लाइड नंबर 9 वुड बी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। जो हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में आप बना चुके हैं, आप ईयर एंड ईयर अपनी ग्रोथ दिखाएं कि ईयर 1 में आपकी ग्रोथ क्या होगी, ईयर 2 में, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। 5 ईयर प्रोजेक्शंस आर जनरली गुड। 5 ईयर्स में ग्रो करके आप कितनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे। एंड द लास्ट स्लाइड है, जो 10th स्लाइड होती है आपकी, वो आप अपनी अभी तक की अकम्पलिशमेंट्स बताते हैं। 1, अगर आप यहाँ पे आई विल से कि आपने कितना काम कर लिया है, वो यहाँ पे शोकेस करें जो आप सबमिट करेंगे दिस थर्सडे में। एंड अगर आप प्रोफेशनली किसी इन्वेस्टर के पास लेके जा रहे हैं पिच डेक, तो फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि आपको कितने पैसे आप मांग रहे हैं और उन पैसों से क्या करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट से कि $100,000 दे दें, डोंट जस्ट से कि $1,000,000 दे दें, और बताएं कि जरूरी कि उस $1,000,000 क्या क्या ग्रोथ होगा, $1,000,000 कहाँ खर्च होगा, कितने परसेंट उनकी सैलरीज में जाएगा। अगर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर आपको कहता है कि आप इसमें से सैलरी ड्रॉ ही नहीं कर सकते, एक उसको हम टर्म शीट कहते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स बिल्ड करेंगे अगले 1 से 2 दिन में आपके साथ, कि टर्म शीट क्या होती है। टर्म शीट के अंदर डिफाइन होता है, डिफाइन किया जाता है कि इन्वेस्टर से आप पैसे किन टर्म्स पे ले रहे हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, उसकी ओवरसाइट कैसे होगा, वो कैसे कैसे आप इंटेलिजेंटली खर्च करेंगे। जो इन्वेस्टर आपको पैसे देता है, दैट्स अ सेक्रेट ट्रस्ट, उसको अपने पैसे से भी ज्यादा केयरफुली खर्च करें, वो पैसे फ्री मनी नहीं है। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्विकली मुझे कहा जा रहा है टाइम में साफ, बट क्विकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिवेटर पिच बहुत जरूरी है। आप किसी से भी मिले, एलिवेटर पिच हम कहते हैं कि आप एलिवेटर में, लिफ्ट में किसी के साथ जा रहे हैं, यू 30 सेकंड्स ऑफ टाइम, कोई आपसे पूछता है हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं, एंड यू क्विकली टेल देम कि मेरा बिजनेस क्या है। एंड 30 सेकंड्स में आप इतनी एक्साइटिंग स्टेटमेंट दें
कि वो कहे यस टेल मी मोर अबाउट योर बिजनेस, या वो कहे कि आप अपना कार्ड दें मुझे, आप फोर्सफुली अपने कार्ड ना दे रहे हो लोगों को। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ओवर द टाइम वी लर्न दिस, ये हर स्टार्टअप को बनाना चाहिए, हर फाउंडर को होना चाहिए, पास होना चाहिए, और इसको 100 times प्रैक्टिस कर लें अपने पास। ये दिस शुड बी लाइक हार्ड कोडेड इन योर माइंड, और जब भी किसी से मिले उसको। नंबर वन इज आप लोगों को बताएं कि आप कितना बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर वन इज इंडस्ट्री साइज, अपॉर्चुनिटी साइज, लाइक आई एम सॉल्विंग अ बिलियन डॉलर प्रॉब्लम। हमने कहा हम 500 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहते थे, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये बताता है कि आप कितने एम्बिशियस हैं, लेकिन उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर इनोवेशन। ठीक है, आपने राइट प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, यू आइडेंटिफाइड कि इतना बड़ा इंडस्ट्री साइज है, ह्यूज, इसमें से आपकी इनोवेशन क्या है, व्हाट्स योर इनोवेशन, व्हाट्स योर सॉल्यूशन, आप क्या करने जा रहे हैं वो बताएं सिंपल। और ये इनके चारों चीजें आप एक एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं, एंड वेयर यू आर, अभी आप कहां तक पहुंच चुके हैं, आपने कोई प्रैक्टिकली स्टेप भी लिया है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जो आपने इनोवेशन डिजाइन किया, सॉल्यूशन डिजाइन किया, या जस्ट ख्याली बातें किए जा रहे हैं, तो दैट वुड शो कि आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन पर बात कर रहे हैं। फ्यूचर वेयर यू वॉन्ट टू बी, कि इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जो इतना बड़ा प्रॉब्लम आपने ढूंढा है, आपने बिलियन डॉलर प्रॉब्लम ढूंढ लिया है, उसके लिए सोल्यूशन भी बना लिया, इंप्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, आप कितने एम्बिशियस हैं, आपका विजन कितना बड़ा है, कि इसमें से आप कितना शेयर चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू बी अ लीडिंग मार्केट प्लेयर, या आप सिर्फ एक बॉटम प्लेयर ही बने। तो ये एलिवेटर पिच हर स्टार्टअप के पास, हर फाउंडर के पास होनी चाहिए। ये स्लाइड हमने आपसे शेयर कर दी है। With this, we come to the conclusion of this lecture. We are already late, and I can proudly say that now you've learned how to scale your startup. Three methods हमने आपको दे दिए हैं. One is for everyone. Second one is for well-funded startup. And third one is again for relatively less funded as well. With this, we come to conclusion for today's lecture. Sir, any concluding remarks? Next speaker is in the waiting room. Yeah, I think we can go on to the second one. You can be offline and let me discuss the one point before we continue with the people in the next session. Right, sir. Thank you. With the audience, we'll be back after a short break.